अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में ईद स्पेशल में बना रहे हैं वो चीज़ जिसकी रिक्वेस्ट तकरीबन मुझे 4 सालों से आ रही है कि आप हमें बनाना सिखा दें, और वो है दूध दुलारी। क्योंकि मेरे चैनल पे दूध दुलारी की रेसिपी नहीं है, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि आप इस बार हमें बनाना सिखा दें। तो आज हम बना रहे हैं मज़े की यमी यमी सी दूध दुलारी। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, दूध लेंगे 2 लीटर, सेवइयां लेंगे कलरफुल हाफ कप, आपको मार्केट से इजीली मिल जाएंगी। चीनी लेंगे हम हाफ कप, कॉर्नफ्लावर लेंगे हम 1 टेबलस्पून भर के। आप लोग सोच रहे होंगे चीनी इतनी कम क्यों, हमने इसमें कंडेंस मिल्क डालना है इसलिए मैं चीनी हाफ कप ले रही हूँ। तो चलिए अब इसे रेडी करते हैं। एक बर्तन में हम दूध डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे कॉर्नफ्लावर मिक्स करने के लिए। फ्लेम ऑन करेंगे, फ्लेम हाई रखेंगे और दूध में अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। तो ये देखें दूध में हल्का हल्का सा बॉयल आ गया। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी, चीनी को मिक्स करेंगे। अब हमने फ्लेम को मीडियम कर देना और इसको हमने पकाना है तकरीबन 5 मिनट तक, कि दूध हमारा थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए। पांच मिनट हो चुके हैं, दूध को हमने चम्मच चला चला के पकाया। अब इसमें हम सेवइयां डाल देंगे और चम्मच चलाएंगे और इनको भी हमने पकाना है, ये थोड़ी देर बाद फूल जाएंगी। साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे, हल्का हल्का, ज्यादा तेज नहीं, ये नहीं कि बिल्कुल तेज तेज चलाना है, हल्के हल्के हाथ से। 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए सेवइयां हमारी पक चुकी हैं। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। तो ये दूध जो मैंने बचा के रखा हुआ था इसमें मैं कॉर्नफ्लावर डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम हाई रखेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसे गाढ़ा होने देंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए ये रेडी है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब इसे हम ठंडा होने देंगे। दूध दुलारी बनाने के लिए बाकी की चीजें जो हमें चाहिए, मिक्स फ्रूट कॉकटेल लिया है हमने 1 अदद, चमचम लेंगे हम हसबे जरूरत, जेली लेंगे हम ग्रीन वाली और रेड वाली, कंडेंस मिल्क लेंगे हम 1 कप, मीठा आप अपनी मर्जी के मुताबिक ज़्यादा ले सकते हैं या कम ले सकते हैं। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, आप सर्च करें कंडेंस मिल्क बाय किचन विद आमना तो आपको मिल जाएगी। 1 पैकेट हमने क्रीम का लिया है 200 ml वाला, जो आम पैकेट होती है टेट्रा पैक वो वाली। कटे हुए बादाम लेंगे, कटे हुए पिस्ता लेंगे हम हसबे ज़रूरत। तो ये चीज़ें चाहिए हमें, उसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप हाफ कप डाल दें, अगर ज़्यादा पसंद है तो 1 कप डाल दें, यह आप पे डिपेंड करता है। मिक्स कर लेंगे अब, और अब इसमें हम डाल देंगे क्रीम। अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद आपने इसमें क्रीम डालनी है। मिक्स कर लेंगे, तो ये हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे कॉकटेल। 1 टिन मैंने कॉकटेल लिया था। जेली डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन वाली, थोड़ी रेड वाली, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चमचम, हो गया। सर्विंग बोल लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे जेलीज। और गार्निश करेंगे बादाम और पिस्ते।
तो तैयार है हमारी दूध दुलारी। तो अब इसे हम रखने जा रहे हैं फ्रिज में। इसे अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपको ये दूध दुलारी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विदाना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विदाना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।